Hey friends, how are you all? I hope you are doing fine. Today I have plotted here, if you see, chart of Nifty and 50-day moving average, 100-day moving average, and 200-day moving average. These three moving averages are plotted on the chart, and if you see here, The graph is showing continuous uptrend, and Nifty has given the closure above 22,200. and that was the resistance before. It means that since the closure has been above its resistance, this becomes the support. So 22,200 will become the support going forward. And this chart is drawn on weekly basis, as you can see here. If I do technical analysis here, you will see that all of these candles, first of all, if you notice that most of these candles are green candles, which tells you that the market is in upward momentum. And there was a doji that was formed here. This week, there was a doji that was formed, and the date was on 1st of Jan 2024. And doji basically signifies that market would stay in indecision mode for coming, trading sessions. Or as you can see here, the same thing happened after 1st of January. Market was indecisive where to go. So sometimes you will see that there are red candles and then there are green candles. So there is no decision in the market. But specifically, last week, the closure has been above 22,200, which means from here on, the rally will continue, and it may continue for another 2 3 months till election. And afterwards, it all depends on the result of election, how it will go from there. But one thing to notice here is that if you see that candles, all these candles have long tail or small tail also, which means that anytime the market goes down, there is buying force which is pulling the market up. That's why you see the tail. Overall, it gives you the confidence that there is strong bullish momentum in the market. तो इसको यूटिलाइज कीजिए. मार्केट में सेक्टर रोटेशन हो रहा है. कोई एक सेक्टर कभी किसी टाइम पे चलता है, जैसे 3 या 6 महीने, उसके बाद कोई दूसरा सेक्टर लीडरशिप लेता है. जैसे कि पहले पीएसयू चल रहा था, उसमें थोड़ा करेक्शन आया 20% का, खास करके रेलवे स्टॉक्स में. तो क्या रेलवे और पीएसयू सेक्टर के बाहर कहीं संभावनाएं नजर आ रही हैं? जी हाँ, जैसा कि मैं आज बात करूंगा डेटा पैटर्न्स के बारे में, और यहाँ पे वो रिवर्सल साइन दिखने लगे हैं. डेटा पैटर्न्स डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करता है एंड एक लीडर है डिफेंस सेक्टर में. डेटा पैटर्न्स, इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस मैंने अपने पुराने वीडियो में की है. फंडामेंटल एनालिसिस एवियोनिक्स बनाती है कंपनी, डिफेंस से रिलेटेड या फिर नेवल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जरूरत होती है ये कंपनी वो प्रोवाइड करती है. और इसके साथ साथ नैनो सैटेलाइट्स भी बनाती है, प्लस सैटेलाइट रिलेटेड रडार से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है ये कंपनी बनाती है. और ऑर्डर बुक इसके काफी मजबूत है. इसके साथ साथ रेवेन्यू में भी ग्रोथ काफी अच्छा देखने को मिला है दिसंबर क्वार्टर में, उस पे आएंगे हम. और इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ काफी ज्यादा देखने को मिला है. सो फंडामेंटल को मैं टच करूंगा थोड़ी देर में. इसके पहले आज का फोकस मैं रखूंगा टेक्निकल एनालिसिस पे, क्योंकि इसमें वो रिवर्सल साइन देखने को मिला है. जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपसे बात की थी ये स्टॉक जब पहली बार तब ये होता था 1800 के आसपास, वहां से ये ऊपर गया था 2200 तक, फिर इसने हाई भी लगाया था 2400 तक का. उसके बाद इसने एक लंबा कंसोलिडेशन दिखाया, एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इससे निकल गए होंगे. ये आप देख सकते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है. और उसके बाद अभी अभी जो है लास्ट वीक में 2 वीक्स में इसमें काफी अच्छे वॉल्यूम पे अपसाइड आपको देखने को मिल रही है. ये दो बड़े ग्रीन कैंडल हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें नीचे की ओर टेल देखने को मिल रहा है. इसका मतलब ये है कि जो नीचे की ओर इसको पुश किया गया होगा वहां पे बाइंग आ जा रही है, और ये फिर ऊपर की ओर आ गया. और उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे दूसरा कैंडल भी जो है एक बहुत बड़ा कैंडल है. और अभी ये जो इसकी करंट प्राइस है वो है 2362. यहां से 100 रुपी और ऊपर जाता है तो ये अपने रेजिस्टेंस के पास आ जाएगा जो कि 2480 का है. और उसको अगर ये ऊपर की ओर निकाल जाता है तो फिर से यहाँ से जो ब्रेकआउट है ये ऊपर की ओर वो कंफर्म हो जाएगा, और ये फिर से मोमेंटम पकड़ लेगा जहां से ये आपको 30 से 40% तक का रिटर्न दे सकता है. अब ये रन क्यों आया है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे आ गया है, या फिर इसके पीछे साउंड रीजन है. दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है वो काफी अच्छा आया है, जिसके चलते जो है इसमें आपको ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है. आप देखें कि एक तो मैंने कैंडल बेस एनालिसिस की, वॉल्यूम बेस एनालिसिस की, दोनों चीज को मैंने कोरिलेट किया. तीसरा जो है ये मूविंग एवरेज भी यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है. जैसे आप देखें कि 50 डे का मूविंग एवरेज है,
सबसे ऊपर ग्रीन कलर में, उसके बाद ब्लू कलर में है 100 डे का मूविंग एवरेज, और सबसे नीचे है रेड कलर में 200 डे का मूविंग एवरेज। कहीं ना कहीं ये यहाँ पे कन्वर्ज होते नजर आ रहे हैं। जब भी मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज होने लगे तो दो चीजें हो सकती है, या तो प्राइस वहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर प्राइस ऊपर की ओर जाता है तो फिर से मोमेंटम अपवर्ड वो स्टॉक पकड़ सकता है, प्राइस नीचे की ओर जाता है तो डाउनवर्ड मोमेंटम वो पकड़ सकता है। लेकिन इन जनरल अगर आप इसका ट्रेंड देखें तो अपवर्ड मोमेंटम पहले से ही बना हुआ था, और इसलिए संभावना भी काफी बनी रहेगी कि यहां से कन्वर्ट जब हो गया और उसके बाद रिजल्ट अच्छे आ गए तो ये ऊपर की ओर जाएगा, और वैसा ही आपको यहाँ पे होते हुए देखने को मिला। और अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है। अपने प्रीवियस क्वार्टर से आपको ऊपर देखने को ये मिल ही रहा होगा। ये देखो आप Q1Q बेसिस पे पिछले क्वार्टर में था ये 1.08 बिलियन रुपी और अभी बढ़ के हो गया 1.40 बिलियन रुपी। सो ऑलमोस्ट 35% का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेट इनकम भी जो है 337 के फिगर से बढ़ के 509 तक का हो गया है, यहाँ भी आपको 25% का जंप देखने को मिल रहा है। और वाई ऑन वाई बेसिस पे अगर आप कंपेरिजन करोगे तो देख सकते हो 25% का जंप है रिवेन्यू में, नेट इनकम में 53% तक का जंप है, और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है 23% से, एबिटा भी बढ़ा है 27% से। सो ऑल इन ऑल रिजल्ट अच्छे आए हैं। एनुअली आप देखोगे तो कंटिन्यूअस आपको ग्रोथ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर जा रहा है। ये देखो आप, आज से दो साल पहले ये जो वैल्यू था वो 2.24 बिलियन रुपी का था, जो कि अभी बढ़ के 4.53 बिलियन रुपी का हो गया। सो 2021 टू 2023 रेवेन्यू डबल हो गया है, और प्रॉफिटेबिलिटी को भी अगर आप देख लो 555 मिलियन रुपी से बढ़ के ये 1.24 बिलियन रुपी, यहाँ भी डबल से ज्यादा प्रॉफिट में ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। और आगे बढ़ते हुए अगर आप इसके प्राइस एक्शन को देखें तो आप देख सकते हैं लास्ट डे इसमें 5% तक का जंप देखने को मिला, एक महीने में इसने अच्छा खासा जंप दिखा दिया है 27% का, लास्ट 6 महीने में की बात करें तो। जी हाँ, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के अब ये ऊपर जा रहा है, इसलिए आपको ये फ्लैट दिखने को यहाँ पे मिलेगा। तो अपने प्रीवियस हाई को जो कि 2470 का है इसको निकाल ले जाता है, तो जैसा मैंने बताया फिर से आपको अच्छा खासा यहां से जंप देखने को मिलेगा। पी रेशियो जो है वो 78 का है, मार्केट कैप 13,200 करोड़ का है। पी रेशियो डेफिनेटली स्लाइटली एक्सपेंसिव है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बट उसको आपको इसके ग्रोथ के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आप इसमें इसके बाद किसी अच्छे स्टॉक की तलाश कर रहे हैं इस सेक्टर में तो दूसरा जो स्टॉक हो सकता है वो है एमटार टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं कि एमटार टेक्नोलॉजी को अगर मैं ओपन करूं तो ये देखिए ये भी 2029 पे अभी जाकर के बसा हुआ है, और इसने भी डाउनसाइड दिखाई है अपने हाई से और अच्छी खासी डाउनसाइड दिखाई है। लेकिन मुझे अगर दोनों में से सेलेक्ट करना हो तो मैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस आई विल गो अहेड विद डेटा पैटर्न्स, बट हियर ऑल्सो MTAR technology, if you see from the top, it has fallen by 28%. So at a price point, जो कि काफी अच्छा है, अपने long term जो इसका support है इसका, ये देख सकते हो आप 1900 के आसपास का support था, वहीं पे आकर के ये भी रुका हुआ है, और इसका भी P ratio जो है वो 75 का बना हुआ है, लेकिन इसके comparison में data pattern का growth अच्छा है। Nonetheless, आप चाहें तो इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफी अच्छी कंपनी है और एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे है जहां से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये भी अट्रैक्टिव बेट हो सकता है। तीसरे अगर किसी को आप टारगेट करना चाहते हैं तो वो हो सकता है एवेंटेल इंडिया लिमिटेड। छोटी कंपनी है लेकिन अपने आप में कमाल की कंपनी है ये भी। ये देखिए आप, ये भी अगर मैं देखूं तो ये भी अपने अपसाइड से यहाँ पे आपको 12-30% का गिरावट देते हुए नजर आ रही है। एक साल की बात करें तो यहाँ देखिए क्या रनअप दिया है इसने 335% का। इसका मार्केट कैप भी कम है, 2,755 करोड़ का मार्केट कैप है, और पी रेशियो भी कम है, सिर्फ 55 का पी रेशियो है। अगर हम इसके रनअप को देखें तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 6 महीने में इसने 32% का रिटर्न दिया है, लास्ट 1 महीने में इसने 9% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और 1 ईयर की बात करें तो यहाँ भी 335% का यूज रिटर्न है। अगर आप इसके प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू की बात करेंगे तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। दिसंबर क्वार्टर में ये देखिए आप वाई ऑन वाई बेसिस पे 53% का ग्रोथ है, और नेट इनकम में यहाँ पे 144% तक का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप क्यू ऑन क्यू बेसिस को भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं 543 से बढ़ के ये फिगर हो जाता है 593 का, 10% का ग्रोथ यहाँ भी देखने को मिल रहा है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी 160 से बढ़ के ये 163
माइनर साइन जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। लेकिन अगर आप एनुअल ग्राफ को पुल करें तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, बड़े अच्छे आई वुड से ग्राफ बना करके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इट्स ट्रेंडिंग अपवर्ड्स। सो रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, और इसके साथ साथ छोटी कंपनी है तो काफी अच्छा रिटर्न ये कंपनी भी दे सकती है। कंसोलिडेशन ये भी काफी टाइम से कर रही है और यहाँ से हो सकता है कि डेटा पैटर्न के ब्रेकआउट देने के बाद ये सारी बाकी कंपनियां भी रनअप आपको दिखाना शुरू कर दे। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में मैं क्विकली टच करूंगा, उस कंपनी का नाम है Zen Technology Limited। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी लास्ट 6 मंथ से कंसोलिडेट ही कर रहा है 800 रुपी के आसपास अपने हाई से, जो कि इसने 870 के आसपास लगाया था, वहां से ये अभी 8% डाउन है। पी रेशियो इसका 59 है और मार्केट कैप है 6689 करोड़ का। और यहाँ भी आपको रिवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ सारी चीजें अच्छी देखने को मिलेगी। एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है, इसका मतलब यह है कि एनिमी के ड्रोन को मार गिराने का काम ये कंपनी कर सकती है। जैसा कि आप देखें इसके ग्रोथ को तो आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट वाई ऑन वाई बेसिस पे 90% से बढ़ा है। नेट इनकम जो है ये बहुत तेजी से 224% से बढ़ा है। एंड एनुअल बेसिस पे अगर आप ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं 2021 ऑनवर्ड्स कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में बना हुआ है। उसके पहले 2020 तक अप ट्रेंड में था, लेकिन 2021 में एक डिप आता है, मे बी ड्यू टू कोविड रीजन। ये सारे पैरामीटर आप देख सकते हैं, ग्रोथ काफी ह्यूज है, इसलिए प्राइस में भी आपको रनअप देखने को मिला था। तो इन सब कंपनी की एनालिसिस कीजिए और खुद से डिसाइड कीजिए किसमें इन्वेस्टमेंट करना है। डेटा पैटर्न एज पर मी इज सेफ बेट, देयर ऑलरेडी मल्टीबैगर्स, बट फ्रॉम हियर ऑन आल्सो यू विल सी ह्यूज जंप इन कमिंग टाइम बिकॉज डेटा पैटर्न इज अगेन टेकिंग द लीड टू ड्राइव दिस सेक्टर अपवर्ड्स। और इसके बाद बात करूंगा JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इस कंपनी के बारे में और बाकी सारी कंपनीज जो कि आज मैंने आपके सामने रखी, इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं और जब भी ये करेक्ट प्राइस पॉइंट पे थे तब आपसे बात किया था JSW इंफ्रा के बारे में। तो जैसे ही IPO के बाद ये लिस्ट होता है मैंने बात किया था 200 रुपी के आसपास, उसके बाद ये 235 तक गया, वहां से फिर इसने एक बॉटम बनाया अराउंड 210 रुपी का। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अगर ये देखें आप, जो ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है ये वॉल्यूम पे देखने को मिल रहा है और उसके बाद बड़े बड़े आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहे हैं, ये सब के सब आपको ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये एक डिसाइसिव ब्रेकआउट है क्योंकि वॉल्यूम पे हो रहा है और जो इसका पहले का रेजिस्टेंस था वो 240 रुपी के आसपास था, उसको इसने ब्रेक करके कंफर्टेबली ये उसके ऊपर बंद हुआ है। और ये भी ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसके दिसंबर के रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो जितनी भी कंपनी मैं आपसे डिस्कस करता हूं इन सब के फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं और इसके साथ साथ ये भी मेक श्योर करता हूं कि टेक्निकल साइड को मैं साथ में लेके चलूं ताकि ऐसी कंपनी साझा करके बताऊं जिसमें मोमेंटम बने हुए हैं, जहां से कि आपको अच्छा खासा रनअप देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपके साथ GICRE शेयर किया है, बहुत लोगों ने देखा होगा मेरा पुराना वीडियो। LIC इंडिया शेयर किया था 700 कुछ रुपी के आसपास, आज 1000 पे आ चुका है। आप बहुत सारे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, ओलेक्ट्रा के बारे में कितनी बार बात की है, KPIT के बारे में बात की है, VVL के बारे में बात की है, ट्रेंड के बारे में बात की है 2000 रुपी पे, सब के सब डबल हो चुके हैं या फिर 80-90% तक का रिटर्न दे चुके हैं उस प्राइस से। और ये सारी कंपनी फंडामेंटली बैक्ड है, इसलिए इकोनॉमी में कहीं रिसेशन भी आता है तो कहीं ना कहीं आपको वो सेफ्टी नेट भी मिलेगा जहां से आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने थोड़ी एनालिसिस अपनी ओर से भी कर ली तो आपको वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि जी हाँ इसमें मैं बने रह सकता हूँ, अदरवाइज आप पैनिक करके वहां से निकल सकते हैं। तो जी हाँ, अब तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और पुराने जितने भी लोग हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें कुछ लोगों के साथ जिनको ये हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे JSW इंफ्रा ने ब्रेकआउट दे दिया है और इसके बाद ये अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया है, यहाँ से कहाँ तक जा सकता है यू नेवर नो। कंपनी का जो रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट आया है अच्छा आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं जून क्वार्टर में जो फिगर था 918 करोड़ का, सेप्टेम्बर में भी मोर और लेस सेम सा था 896 करोड़ का, दिसंबर क्वार्टर में ये सबसे ज्यादा बढ़ के आया है 1018 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 480 करोड़ का हो गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है। और इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो ये आपको कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है, अगर आप इंटरेस्ट को देखें
तो जी हाँ, कंपनी ने अच्छा खासा डेट ले रखा है जिसके चलते इंटरेस्ट पेमेंट इनको देना पड़ा है, और ये देखिए आप 143 करोड़ का इंटरेस्ट इन्होंने किया है दिसंबर क्वार्टर में, इसलिए आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये गिरावट देखने को मिल रही है, और इसका असर आपको नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ देखने को मिला है। तो जो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है वो अभी 1 का बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये पेमेंट कर रही है डेट को, आई थिंक कि बहुत जल्दी इनके डेट खत्म होते हुए नजर आएंगे आपको। ये देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो 1 पे है, आरओई अच्छा बना हुआ है 19 पे, आरओसी भी जो है वो 16 पे बना हुआ है, और मार्केट कैप जो है वो 55,100 करोड़ का है। सो ये सारी चीजें तो अच्छी हैं, ग्रोथ भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम एनुअल बेसिस पे ग्रोथ को देखें तो आप देख सकते हैं कि रीसेंट लिस्टेड कंपनी है, मार्च 21 ऑनवर्ड्स कंटिन्यूअसली इसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ये देखिए 1,678 करोड़ से फिगर बढ़ के 3,372 करोड़ का हो जाता है, रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डबल होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे ये अभी आपको नेगेटिव लग रहा होगा रेड कलर में, बट अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट इसमें जुड़ेगा तो फिर ये भी मुझे लगता है कि नंबर बैलेंस आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा ग्रोथ आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ में कंटिन्यूअसली आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं डिलीवरी वॉल्यूम जो है लास्ट ट्रेडिंग डे पे काफी ज्यादा रहा है एज कम्पेयर टू वीक एंड मंथ, यहाँ पे काफी ज्यादा डिलीवरी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है अभी करेंट प्राइस इसका 262 रुपए का है, जो कि अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है, तो टेक्निकली जो है इंडिकेटर बुलिश बने हुए हैं। प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं 80% के आसपास, और आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड धीरे धीरे करके इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। FII की होल्डिंग कांस्टेंट बनी हुई है, दिस क्वार्टर में उन्होंने थोड़ा ट्रिम डाउन किया है। द अदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज दैट प्रमोटर ग्रुप इज अक्वायरिंग शेयर्स, आप देख सकते हो 6 फरवरी को इन्होंने फिर से वापस बाई किया है, सो इंटरनल बाइंग भी चल रही है। सो ओवरऑल इन सारे पैरामीटर्स को हम देखें तो मुझे ये कॉन्फिडेंस लगता है टेक्निकली प्लस फंडामेंटली प्लस, क्योंकि इंटरनल बाइंग चल रही है, यहाँ से ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि ये यहाँ से फर्दर मोमेंटम में जारी रहेगा और इसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई वीडियो एंड से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन। इफ यू हैपन टू लाइक माई वीडियो गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।